ग्रह है शुक्र, रत्न है हीरा। शुक्र ग्रह का मुख्य प्रतिनिधि रत्न हीरा है। संस्कृत में इसे वज्रमणि, हिंदी में हीरा तथा अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं। हीरा अत्यंत चमकदार, प्रायः श्वेत वर्ण का होता है। पहचान, अत्यंत चमकदार, चिकना, कठोर, पारदर्शी एवं किरणों से युक्त हीरा असली होता है। परीक्षा क्या है? धूप में यदि हीरा रख दिया जाए तो उसमें से इंद्रधनुष जैसी किरणें दिखाई देती हैं। तोतले बच्चे के मुंह में रखने से बच्चा ठीक से बोलने लगता है। अंधेरे में जुगनू की भांति चमकता है। गुण क्या है? हीरे में वशीकरण करने की विशेष शक्ति होती है। इसके पहनने से वंश वृद्धि, धन लक्ष्मी व संपत्ति की वृद्धि, स्त्री एवं संतान सुख की प्राप्ति व स्वास्थ्य में लाभ होता है। वैवाहिक सुख में वृद्धि कारक माना जाता है। औषधीय गुण है इसमें। हीरे की भस्म शहद, मलाई आदि के साथ ग्रहण करने से अनेक रोगों में लाभ होता है, जैसे दौर्बल्यता, नपुंसकता, वायु प्रकोप, मंदाग्नि, वीर विकार, प्रमेह दोष, हृदय रोग, श्वेत प्रदर, विषैला व्रण, बच्चों में सूखा रोग, मानसिक कमजोरी आदि। धारण विधि क्या है? शुक्ल पक्ष के शुक्रवार वाले दिन शुक्र की होरा में भरणी, पुख्य, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो, एक रत्ती या इससे अधिक वजन का हीरा सोने की अंगूठी में जड़वा कर शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः का 16,000 की संख्या में जाप करके शुभ मुहूर्त में धारण करना चाहिए। हीरा मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। धारण करने के दिन शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुएं जैसे दूध, चांदी, दही, मिश्री, चावल, श्वेत वस्त्र, चंदन आदि का दान यथाशक्ति करना चाहिए। हीरा धारण करने की तिथि से 7 वर्ष पर्यंत प्रभावकारी बना रहता है। हीरा वृष मिथुन कन्या तुला मकर कुंभ राशि वालों को लाभदायक रहता है। शुक्र के उपरत्न है फिरोजा। नीले आकाशीय रंग जैसा यह नग शुक्र का उपरत्न माना गया है। यह रत्न भूत प्रेत दैवी आपदा तथा आने वाले कष्टों से धारक की रक्षा करता है। यदि इस रत्न को कोई भेंट स्वरूप प्राप्त करके पहनेगा तो अधिक प्रभावशाली रहेगा। हल्के प्रखर चमकदार रंग वाला रत्न उत्तम होता है। कोई भी कष्ट या रोग आने से पहले यह रत्न अपना रंग बदल लेता है। नेत्र रोग, सौंदर्य, सिर दर्द, विषादी रोगों में विशेष लाभकारी रहता है। ग्रह है शनि, रत्न है नीलम। नीलम शनि ग्रह का मुख्य रत्न है। हिंदी में नीलम अथवा अंग्रेजी में सेफायर कहते हैं। पहचान क्या इसकी? असली नीलम चमकीला, चिकना, मोरपंख के समान वर्ण जैसा नीली किरणों से युक्त एवं पारदर्शी होगा। परीक्षा क्या इसकी? असली नीलम को गाय के दूध में डाल दिया जाए तो दूध का रंग नीला लगता है। पानी से भरे कांच के गिलास में डाला जाए नीली किरणें दिखाई देंगी। यानी पानी से भरे कांच के गिलास में अगर डाला जाए नीलम तो नीली किरणें दिखाई देंगी। सूर्य की धूप में रखने से नीले रंग की किरणें दिखाई देंगी। नीलम का गुण क्या है? नीलम धारण करने से धन धान्य, यश कीर्ति, बुद्धि चातुर्य, सर्विस एवं व्यवसाय तथा वंश में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य सुख का लाभ होता है। ध्यान रहे, बहुधा नीलम 24 घंटे के भीतर ही प्रभाव करना शुरू कर देता है। यदि नीलम अनुकूल न बैठे तो भारी नुकसान की आशंका होती है। अतएव परीक्षा के तौर पर कम से कम 3 दिन तक पास रखने पर यदि बुरे स्वप्न आए, रोग उत्पन्न हो या चेहरे की बनावट में अंतर आ जाए तो नीलम ना पहने। रोग शांति, नीलम धारण करने या औषधीय रूप में ग्रहण करने से दमा, क्षय, कुष्ठ रोग, हृदय रोग, अजीर्ण, मूत्राशय संबंधी रोगों में लाभकारी है। धारण विधि क्या है? नीलम 5, 7, 9, 12 अथवा अधिक रत्ती के वजन का पंच धातु लोहे अथवा सोने की अंगूठी में शनिवार को शनि की होरा में एवं पुख्य, उत्तरा, भाद्रपद, चित्रा, स्वाति, धनुष्ट या सतविशा नक्षत्रों में शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनै नमः मंत्र से 23,000 की संख्या में अभिमंत्रित करके धारण करें। पश्चात शनि की वस्तुओं का दान दक्षिणा सहित करना लाभ कल्याणकारी होगा।